तो दोस्तों आप सभी लोगों को जय माता जी की। और आज हमारा है पांचवा दिन व्लॉगिंग का और सुबह के बज चुके हैं 9 और आज हम झोपड़ियाँ करवाएंगे कंप्लीट। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और आगे मिलते हैं। हम आ चुके हैं ऊपर और अब आपको दिखाएंगे कितना झोपड़ियों का काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे आदमी जल्दी से लग रह चुके थे। ठीक है दोस्तों दिखाते। देखिए सिर्फ अब साइड से लगभग पैक कर दिया इन्होंने और अब इधर इधर वाला छत ऊपर वाली करनी है बस। हो चुका है चाय ब्रेक और हमारे अंकल पी रहे हैं चाय। इनके बज रहे 11 और इसको वाटरप्रूफिंग के लिए हम लगाएंगे ऊपर पाल, छत वाटरप्रूफ हो जाए। तो दोस्तों देखो ये पाल लगा रहे वाटरप्रूफिंग के लिए जिससे हमारी छानड़िया में पानी ना टपके। मुझे काफ़ी दूर आना पड़ा वीडियो बनाने के लिए क्योंकि उधर से दिख नहीं रहा था। देखो ऊपर चढ़े हुए। भाइयों आदू जी लेके आए हैं ये पल्ली के फूले। तो हमने पूछा इनसे क्या करेंगे तो उन्होंने बोला कि झोपड़ियों के ऊपर पाल लगाया है उसके ऊपर लगाएंगे जिससे कि सूरज से ख़राब ना हो पाल, फटे नहीं। ठीक है दोस्तों हम ऊपर जा रहे हैं, चलो आगे मिलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। तीनों एक दूसरे से जीत रहे हैं, देखो कौन किसको सक्सेसफुल होता है, किसका डिसीजन मान जाता है। तो आज 5 बज चुके हैं दोस्तों और अभी तक फ्रेया को बांधा हुआ था। देखो कैसे गुस्सा हो रही है, इसको आप खोल देते हैं। दूसरे आदमी आए हुए थे तो थोड़ा डरते हैं साइज देख के। रुक जा ना, ये देखो सीधा सारा गुस्सा इसने निकाल दिया पिल्ली को। ये देखो इतना गुस्सा। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5 और हमारी झोपड़ी के ऊपर पाल लग के वाटरप्रूफिंग हो चुकी है और उसके ऊपर वापस वो पन्नियाँ लग गई है जिससे कि ये सूरज से ख़राब ना हो, मतलब सनलाइट से। सिर्फ अब एक पोर्शन बाकी है। तो देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है ये। हमारा ऊपर एक तरीके से पूरा झोपा तैयार हो गया है। आज सुबह से लगे हुए हैं हम इसके अंदर और हमारे साथ हमारे आदमी। तो देखिए बस अब जल्दी से तैयार हो जाए, लास्ट पोर्शन कम्प्लीट होने वाला है। उसके बाद दिखाएंगे आपको कि कैसी हो रही है फाइनल आउटपुट। ठीक है दोस्तों बने रहिए हमारे साथ।